जो हम खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं वो हमारे इमोशंस और वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि माँ के हाथ का खाना इतना टेस्टी, इतना सेटिस्फाइंग क्यों लगता है? इट्स बिकॉज वो बहुत प्यार और बहुत पॉजिटिव इमोशंस के साथ खाना बनाती है हमारे लिए। पर हम आजकल बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं और हमें नहीं पता कि वो लोग किस इंटेंशन और किस इमोशन के साथ अपना खाना बना रहे हैं। कभी एंगर, कभी ग्रीड, कभी फ्रस्ट्रेशन, वी डोंट नो। एंड जब हम वो खाते हैं हम वो इमोशंस अब्सॉर्ब करते हैं। सो द सिंपल थिंग दैट वी कैन एक्चुअली डू व्हाइल कुकिंग और व्हाइल ईटिंग इज पुट द राइट इंटेंशंस एंड ब्लेसिंग इनटू आवर फूड। तो जब आप खाना बना रहे हैं या तो आप कोई चांट चालू कर दीजिए या मन में चांटिंग करें, और यू कैन जस्ट ब्लेस योर फूड विद लॉट ऑफ लव, पॉजिटिविटी एंड पुट दैट इंटेंशन इन योर फूड। एंड द सेम वे जब आप बाहर का खाना खा रहे हैं, 2 मिनट अपने आईज क्लोज करके ब्लेस योर फूड विथ योर पॉजिटिव इमोशंस, ताकि जो नेगेटिव इमोशंस उस खाने ने अब्सॉर्ब किया है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू एक्चुअली इम्प्रूव योर हेल्थ। सो यू मे बी ईटिंग द मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड ऑन अर्थ, पर अगर आपके फूड में इंटेंशन सही नहीं है वो आपके बॉडी को हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। यू आर वॉट यू ईट, सो मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम यू कीप दिस इन माइंड एंड इम्प्रूव द एनर्जी ऑफ योर फूड एंड ओवरऑल हेल्थ एज वेल।